मुरादाबाद के काट थाना क्षेत्र के चर्चित धर्मांतरण मामले में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर आज दोनों आरोपी भाइयों की जेल से रिहाई हो गई। दोनों को 50,000 के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। मुरादाबाद मंडल के चर्चित लव जिहाद प्रकरण में उस समय मोड़ आ गया था जब धर्मांतरण मामले की पीड़िता पिंकी को बालिग मानते हुए सीजीएम कोर्ट ने नारी निकेतन से उसके ससुराल पक्ष को सौंपने के आदेश दिए थे। उसके बाद से पीड़िता ने अपने पति राशिद और जेठ सलीम की जेल से रिहाई के लिए मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन के सामने न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले में कल सीजीएम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को छोड़ने के आदेश दे दिए थे। उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके के आधार पर छोड़ने के लिए कहा गया था। कोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों को आज जेल से रिहा कर दिया गया। जेल भेज दिया था, आधार क्या हो रहे हैं? मोबाइल किसका है? नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से करी थी दोनों ने शादी। अच्छा जी, क्या हुआ जब थाने में पुलिस आपको पकड़ के ले गई थी? नहीं सर, यहाँ भेज दिया था मैं जेल में। उसके बाद जेल में रहे थे हम 15 दिन में आया। हाँ, जो पिंकी है वो भी बालिग है, आप भी बालिग हैं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा धर्मांतरण का दर्ज किया दोनों भाइयों के और जेल भेज दिया था। जी जी। तो अब आपको कितनी खुशी हो रही है रिहा होते हुए? सर बहुत बहुत खुशी है सर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो कानून बना है जिसके तहत आपको जेल भेजा गया था, इसका दुरुपयोग हुआ? अच्छा सर, दोनों शादी किस पैटर्न पर शादी की थी आपने? निकाह किया था कि कोर्ट मैरिज किया था, किस तरह से किया था? निकाह ही कोर्ट मैरिज। अच्छा, यहाँ कांट किस तरह, किस लिए पहुँचे थे? कांट जो पहुँचे थे रहने के साथ? नहीं नहीं, कोर्ट में जो वहाँ से पहुँचा, स्टीम कहाँ से पहुँचे, वो किस काम के लिए पहुँचे? वो गर्भवती थी, इस दौरान उनका गर्भपात हो गया जैसा पिंकी ने बताया है, तो कितना अफसोस है आपका जो बच्चा था वो इस दुनिया में आने से पहले ही गुजर। बहुत अफसोस है सर, बहुत अफसोस है सर, बहुत ही ज़्यादा। क्या आप कार्रवाई चाहेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने आपको झूठे आरोप में जेल भेजा था? हम जो देखते हैं सर, अब तक थाने कौन लेके गए थे आपको सबसे पहले थाने? आपको किन्होंने पकड़ा था पहले? कौन थे वो लोग? वहीं के लोग थे वो, कौन थे? बजरंगी वाले जो थे। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? मैं तो सर बाद में पहुंचा था, मम्मी को उन्हें ले गए थे। ये नहीं था सर वो, मैं तो बाद में गया था। क्या आपको थाने में या कहीं टॉर्चर किया गया? नहीं। मैं मोहम्मद इकबाल नाम है, मोहम्मद इकबाल एडवोकेट। क्या मामला है और क्या हुआ अभी आज की तारीख में, क्या है मामला? सर मामला यह था, ये थाना कार्ड में लव जिहाद के विरुद्ध एक मामला सर्वप्रथम दर्ज हुआ था और उसमें लड़की की मां ने इसमें FIR दर्ज कराई थी और एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा और इन्वेस्टिगेट कर इसमें दोनों लड़कों को, उसके लड़की के हस्बैंड को और उसके भाई को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया। और बाद में जब लड़की बयान वैन हुए तो उसने अपने बयान 164 में बयान दिए और वो लड़कों के फेवर किया कि मैंने कोई मतलब लव जहाज जैसा कोई मामला नहीं बनता और मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से मैंने शादी करी है और इसमें उन दोनों किसी का कोई दोष नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ और अपनी मर्जी से शादी करने के लिए कहीं भी कर सकती हूँ। और फिर बाद में इसमें इन्वेस्टिगेट हुआ, पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेट करा तो पुलिस ने कोई भी मतलब साक्ष्य उन लड़कों के विरुद्ध नहीं पाए गए। इस आधार पे उन्होंने 169 की रिपोर्ट CGM कोर्ट में पेश करी और CGM महोदय ने उसको एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दे दिए।